गुड आफ्टरनून क्लास, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? I'm fine, ma'am. What about you? I'm fine. Ji beta, saying something? Nothing, ma'am. Ma'am, I was asking one, what about you? What about the? What about what? Ma'am is asking, how are you? Acha, I am perfectly all right. Good morning, ma'am. Good morning, Shreya. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Abhinav. Well, today we will do civics. Nahi, beta, we'll continue with the history chapter that we had started, no? Ma'am, now please take revision. From 15, we are having a... बेटा yes, आपका लिसन आई विल टेल यू वन थिंग, आपका टेस्ट जो है इट इज ऑन 20th ऑफ जुलाई राइट, जो कि हमारा थर्ड वीक में पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो हम सेकंड वीक मतलब नेक्स्ट वीक से मैम वी आर हैविंग अ एग्जाम फ्रॉम 15 से हैं, बट क्लासेस तो होंगे बेटा, क्लासेस तो होंगे ना, तो हम सेकंड वीक जो है अब जो नेक्स्ट वीक होगा आई विल स्टार्ट रिविजन्स फ्रॉम दैट वीक। तो नेक्स्ट वीक हमारा पड़ेगा मेरे ख्याल से 12 तारीख को, ठीक है? 12th ऑफ जुलाई विल बी मैम। यस कपिल मैम, यूटीस में ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर रहेंगी? हाँ जी बेटा, बिल्कुल रहेंगी। स्कूल में जब आप एग्जाम देने आते हो, यूटी देने आते हो, तो क्या घर चले जाते हो? नो मैम। तो फिर यहाँ तो प्रोसेस 9th में हुआ था ना ऐसा? हाँ मैम, 9th में हुआ था ना ऐसा? 9th में क्या हुआ था? यूटीएस के टाइम पे छुट्टी थी आप लोगों की? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। रेगुलर क्लास नहीं हुई थी लेकिन उसके बाद। बेटा कैसी बात कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस हुई थी भाई। एंड द क्लासेस विल बी टेस्ट विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन? बेटा टेस्ट विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन एंड आफ्टर द टेस्ट्स आर ओवर, लाइक आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट यूटी ऑन 15th द टेस्ट इज ओवर, देन आई थिंक यू विल हैव रेगुलर क्लासेस right, because last year also we were following the same pattern, but if there is any change you will be informed about that, right? But ma'am, what will be the timing? But I have no clue about this, no idea. चलिए, shall we start? Shall we start class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Yes, Dhananjay, you want to say something? Beta Dhananjay, aap kuch kehna cha rahe hain? Okay, let me have a quick attendance.
we have Abhinav, Akansha, Aksada, Dipshikha, Devansh, Dhananjay, Dhruv, Faiz, Malay, Swali, Mohammad Haseen, Nikhil Nehra, then Ramsha, Sanya, Shelly, Nikhil, Ramsha, Sanya, Shelly, Shreya, Ramsha, okay. Then we have Vishesh Agarwal. Okay. The Kapil was there in the class. Where has he gone? Nineteen students are there in the class. Okay. Fine. Beta, I hope you all have the books with you. Yes, ma'am. Fine. Can you tell me in the previous class that we had on Wednesday, where did we conclude? We were on this chapter only. Ma'am, we have to start from same page last para. Before the Industrial Revolution, right? Yes, ma'am. This page and last para we have to start from. Hello, ma'am. Yes, beta. Ma'am, this time and CBSC has changed ma'am, many things for exams, ma'am. So the CBSC told that at the last of July they will launch the new syllabus, ma'am. So, sir, ma'am, we don't know which chapter we will reduce, ma'am, or which will come. Ma'am, abhi naya syllabus aayega July mein. सीबीएसई बताएगा हाँ ये तो हमें पता है कि सीबीएसई बताएगा कि नए सिलेबस में वो हमें क्या देंगे यही तो कह रहे हो आप यस मैम है ना यस मैम हाँ देखो ऐसा है ना देवांश कल रात में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो है थोड़ा सिस्टम चेंज करा है असेसमेंट का दो पार्ट्स में आपका असेसमेंट होगा टर्म वन टर्म टू में 50-50% सिलेबस आएगा टर्म वन विल बी कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड टर्म टू में थोड़ा और चीजें एड ऑन करेंगे ये लोग ठीक है तो और उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई में बताएंगे कि किस तरीके का क्या सिलेबस में कुछ डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि एवरीबडी नोज कि पेंडेमिक के चलते स्कूल नहीं आ पा रहे हैं बच्चे पर ये पता है कि क्लासेस हो रही है ऑनलाइन सबको मालूम है क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने ये सब हिट एंड ट्रायल वाला कर रहे थे हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस अगस्त में बाकी जगहों पर अगस्त में स्टार्ट हुई थी एज पर सीबीएसई सीबीएसई के स्कूल्स में भी काफी लेट हुआ था शुरू हम लोग तो ऑलरेडी ले ही रहे थे हम लोग तो कर ही रहे थे क्लासेस अपनी है ना तो सिलेबस को लेके आप बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा क्योंकि जुलाई एंड में जो भी आएगा वो मुझे नहीं लगता है कि काफी कुछ ही लोग काटेंगे उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी दे हैव डिलीटेड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दी चैप्टर्स आई थिंक 3 years बैक इन्होंने काफी कुछ काट दिया था फ्रॉम दी चैप्टर्स काफी सिलेबस जो है काफी चैप्टर्स आपके कम कर दिए थे बी इट इकोनॉमिक्स बी इट हिस्ट्री बी इट सिविक्स बी इट हिस्ट्री ठीक है इवन ज्योग्राफी आल्सो दे हैव रिड्यूस्ड सेकंड हां मैम फर्स्ट टर्म के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग फिर प्रिपेयर कर पाए क्योंकि मैम नवंबर दिसंबर में होगा फर्स्ट टर्म ना हम तो वेट करेंगे ही नहीं किसी चीज का हम तो कंटिन्यू रखेंगे अपने सिलेबस को हम हॉल्ट करेंगे ही नहीं देखो हिस्ट्री में हमारा ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक बचेगा सिविक्स में सिर्फ दो चैप्टर्स बचे हैं हमारे अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा खत्म हो जाता है क्योंकि आधा हमने शुरू कर दिया था फिर हम बीच में रुक गए थे तो हमारे दो चैप्टर्स बचते हैं उसके बाद ठीक है रही बात ज्योग्राफी की ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस बचे दो चैप्टर्स बचे हैं तो कुल मिला के आपके मुश्किल से पांच चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर तक खत्म नहीं हो पाएंगे आराम से हो जाएंगे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी है ना ओके मैम ठीक है बस ये है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना होगा कि जो आप ये करोगे क्या बोलते हैं अब जो आपका पढ़ाई करने का तरीका होगा फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन उसमें आपको बहुत ज्यादा डीप डिटेल्स में पढ़ना होगा यू कैन नॉट सिंपली डू अवे विद द रीडिंग पार्ट जो अभी तक आप लोग नहीं बहुत सीरियसली कर रहे होंगे अब आपको उसको सीरियसली करना पड़ेगा बस ये चीज है ठीक है श्रेय आई थिंक हेयर वीवर द इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिजंस यस मैम ओके
Can any one of you tell me that what exactly we have read in the previous portion that was there? Anybody in the class? Ma'am, we have read that industrialization first come in the England. In England, okay, very good. Then? What else did we read about? Batao beta. Ma'am, we also read that in the how in the 17th and 18th century merchants from the towns in Europe began moving to the countryside. ठीक है, ठीक है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो फेज था उस फेज को हम क्या बोलते थे बेटा? बताओ भाई बच्चा. मैम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो एरा था, वो टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्रीज सेटअप, जब फैक्ट्रीज सेटअप होना शुरू होने हुए थे और कंप्लीटली मशीन्स जो है नहीं आई थी. ठीक है, ठीक है. ठीक है बेटा. यस मैम. देखिए जब हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि जो न्यू मर्चेंट्स थे, जो न्यू मर्चेंट्स थे दे हैड प्रॉब्लम्स इन यू नो सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द टाउन्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ये हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उनको क्या प्रॉब्लम्स थी. प्रॉब्लम्स क्या थी? जो अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स थे वो बहुत पावरफुल थे और वो एक ये जो एसोसिएशंस थी वो प्रोड्यूसर्स जो थे उनको ट्रेन करते थे क्राफ्ट पीपल के साथ मिलके और प्राइजेस और कंट्रोल को जो है ओवर द प्रोडक्शन उसको मेंटेन करते थे. प्राइजेस को भी कंट्रोल करते थे और उस जो प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल करते थे. दूसरा जो भी मार्केट में नया आता था, टाउन में नया आता था इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको जो है एंट्री नहीं थी गिल्ड्स में, उसको आने की परमिशन नहीं थी. इसीलिए जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे इनको फैक्ट्रीज जो है सेटअप करने में बड़ी मुश्किल हुई, इनको अपने काम को शुरू करने में प्रॉब्लम हुई. उसके बाद ये जो आपके रूलर्स थे, ये जो आपके गिल्ड एसोसिएशन वाले थे या जो गिल्ड्स के जो पार्ट थे, जो ट्रेडर्स थे या जो मर्चेंट्स थे, उनके साथ थे क्या था, उन लोगों की एक मोनोपोली बनी हुई थी. उन्होंने पूरे राइट्स लेके रखे हुए थे, उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली थी और उस मोनोपोली के चलते इन्होंने क्या करा कि उस मोनोपोली के चलते इन्होंने नए लोगों को टाउन्स में जो है अपना अपने आप को सेटअप करने के लिए नहीं, अपने आप को सेटअप करने नहीं दिया. तो वो सेटअप अपने आप को नहीं करने दिया, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. राइट? यस मैम. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, जब इन लोगों को टाउन्स में, जब इन लोगों को प्रोडक्शन की परमिशन नहीं मिली तो इन मर्चेंट्स ने अपने आप को डाइवर्ट करा टुवर्ड्स दी कंट्री साइड. अब कंट्री साइड में क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे जो पुअर पीजेंट्स थे और जो आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स ने उनको काम देना शुरू करा और उन्होंने वो काम इसलिए भी देते थे क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो रशियन रेवोल्यूशन में जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पीपल वर फेसिंग प्रॉब्लम इन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज. जब इंडस्ट्रीज आई तो जो आपका कंट्री साइड में जो एग्रीकल्चरल पार्ट था वो कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ, बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हुआ क्योंकि लोग जो थे वो डाइवर्ट हो गए थे टुवर्ड्स दी सिटीज. अर्बनाइजेशन शुरू होना शुरू हो गया, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज. जो छोटे छोटे कामगार थे उनके काम पे भी इफेक्ट पड़ा. ठीक है, पर जब ये मर्चेंट्स कंट्री साइड में आए, उन लोगों ने इन लोगों को जब काम दिया तो धीरे धीरे जो है इनका सर्वाइवल, इनके लिए जो इनका जो लाइवलीहुड था वो पक्का होते गया और दे वर वेरी हैप्पी क्योंकि जो कल्टीवेशन, जो इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो इनका हेल्ड अप हो गया था वो इन मर्चेंट्स की वजह से इनका लाइवलीहुड दोबारा से चल गया था. और घर के जितने भी मेंबर्स थे दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट वॉज आस्क्ड बाय द मर्चेंट्स. इतना हमने करा था कि नहीं करा था? Yes, ma'am. अब जब इन्होंने मर्चेंट्स को अग्री करा कि ठीक है वी विल वर्क फॉर यू, तो भाई सबसे बड़ी बात जो इनका लाइवलीहुड की जो प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली खत्म हो गई. ठीक है, जिन लोगों के पास छोटे छोटे लैंड एरियाज थे, स्मॉल प्लॉट्स थे जिनके पास कल्टीवेशन के लिए, उन्होंने अपने लैंड एरियाज को वो तो कर ही रहे थे, उससे जो भी उनको इनकम हो रही थी प्लस जो मर्चेंट्स के लिए काम करके इनको जो इनकम मिल रही थी उससे जो है इनकी जो श्रिंकिंग इनकम थी
वो बढ़ गई, ठीक है, कल्टीवेशन की वजह से जो इनकी इनकम कम हो गई थी वो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सप्लीमेंट को करने की वजह से वो जो है वो बढ़ गई थी, अब वो खत्म नहीं हो रही थी, उनके पास भी लाइवलीहुड के सोर्सेज उनको मिल रहे थे, ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, हु इज दिस? आनंद। हाँ जी बेटा, इतनी लेट क्लास में आओगे आप? मैं स्कूल गया था मैम। भाई स्कूल क्यों गए थे आज आप? मैं फीस जमा करने। फीस जमा करने, ओके। तो व्हाई नॉट? मैम भाई के स्कूल गया था, आर्मी स्कूल। कौन से स्कूल? आर्मी स्कूल? यस मैम। ओके फाइन, चलिए ठीक है। इतना पैराग्राफ समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि किस तरीके से जो ये जो सिस्टम था जो मर्चेंट ने स्टार्ट करा था, इस सिस्टम की वजह से एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया था बिटवीन दी टाउन एंड दी कंट्री साइड। टाउन तो आपको पता ही है जो सिटी एरिया होता है, जो शहर होते हैं, और कंट्री साइड क्या होती है, जो आपके विलेजेस होते हैं, ठीक है। अब मर्चेंट्स जो थे, क्योंकि उनका सारा का सारा काम जो था वो कंट्री साइड में था, और पर वो उनका जो बेस था वो कहाँ पर था? टाउन्स में था। तो अब ये जो मर्चेंट्स थे, इन्होंने क्या करा कि इनके अपने इन्होंने अपने काम को बांट दिया, मतलब कुछ लोगों से कंट्री साइड में इन्होंने कहा कि भाई आप जो है केवल जो है फाइबर के अकॉर्डिंग जो है वूल को सॉर्ट करो। फिर एक से इन्होंने कहा कि तुम कपड़े की प्लीटिंग करो, जो वूल जो लिया गया है उसको जो है प्लीटिंग करो, उसको जो है सही करो, ठीक है। उसके बाद उसकी कार्डिंग करी गई, फाइबर्स बनाए गए, कॉटन और वूल के उनको अलग करा गया, फिर उनकी स्पिनिंग करी गई, फिर उनसे फैब्रिक बनाया गया। तो ये जो काम था ये पहले ये शहरों में क्या हो रहा था कि एक ही जैसे जो गिल्ड्स थी वो लोग कर रहे थे एक ही छत के नीचे। पर यहाँ पे कंट्री साइड में क्या हुआ, इन्होंने मर्चेंट्स ने क्या करा कि इन्होंने अपने काम को बांट दिया। एक 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 घर से इन्होंने कुछ और काम करवाया, दूसरे घर से कुछ और करवाया, तीसरे घर से कुछ और करवाया। तो ऐसे जो है तकरीबन 20-25 आदमियों को इन्होंने एक काम में लगा दिया, ठीक है। अब इन सबसे काम इकट्ठा करके, जैसे एक ही टाइम में सारा काम हो गया, जब एक ही टाइम में सारा काम हुआ तो इन्होंने क्या करा, ये वहां गए कंट्री साइड गए, सामान अपना कलेक्ट करा और इसको फिनिशिंग सेंटर भेज दिया। फिनिशिंग सेंटर उस टाइम पे लंदन में हुआ करता था, जैसे हमारा बॉम्बे डेवलप हुआ था बेटा, एग्जैक्टली ऐसे ही लंदन भी डेवलप हुआ था। लंदन जब डेवलप हुआ एज अ सिटी, एज अ मॉडर्न सिटी, तो इनिशियली तो चीजें ठीक थी, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स होने लगी वहां पे, ठीक है। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स थी। राइट नाउ लंदन वॉज नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर। फिनिशिंग सेंटर क्यों था? क्योंकि जितनी भी चीजें प्रोसेस होके आती थी वो फाइनली उसका प्रोडक्शन जो होता था वो लंदन में किया जाता था। आई होप आई एम क्लियर। यस मैम। यस मैम। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक नेटवर्क के ऊपर काम करता था। नेटवर्क जो था उसमें कमर्शियल एक्सचेंजेस होते थे, ठीक है, जो कि मर्चेंट्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। और वो गुड्स जो लोगों के द्वारा, वेरियस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर देयर, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स विच वर आस्क्ड बाय द मर्चेंट्स फ्रॉम द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड। तो आप ये समझ लो फैक्ट्रीज तो नहीं थी, पर जो फैमिलीज थी वो एक फर्म की तरह काम कर रही थी। फर्म जानते हैं ना क्या होते हैं? फर्म्स जानते हैं क्या होती हैं? मैम व्हाट आर फर्म्स डू यू नो? FIM क्या होती है फर्म्स, बताओ। क्लास बताओ भाई, आप लोग पढ़ते हो साइंस में इंग्लिश में? मैम वैरायटी ऑफ समथिंग बेटा, बिजनेस बिजनेस कंपनीज होती हैं फर्म्स, ठीक है। तो वो एक तरीके से बिजनेस फर्म का काम कर रहे थे ये लोग, और हर स्टेज पे जो प्रोडक्शन था वो 20-25 लोगों में बटा हुआ था। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और एक मर्चेंट जो है कई सारे अप्रोक्सीमेट हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा था एट द सेम टाइम। दिस इज क्लियर एंड अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए,
then coming up of the factory. ये reading part हम एक ही बार में करेंगे, ठीक है? Let me explain you this. Now these are saying the earliest factories which were there in England, they came up by the 1730s. But it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. वैसे तो 1730 में ही सब कुछ आ गया था, but late 18th century में जो है factories के जो numbers थे उनमें multiplication हुआ. अब सबसे पहला जो symbol था न्यू एरा का वो था कॉटन. आपने अगर देखा होगा, आपने सुना होगा, इंडिया में भी जो सबसे पहले जो मिल बनी या जो भी जो प्रोडक्शन हाउस बना, दैट वाज ऑफ द कॉटन. कॉटन मिल्स और कॉटन टेक्सटाइल ही सबसे पहले जो है वो एस्टेब्लिश हुए. ठीक है? ठीक. यस मैम. ठीक है. अब वो सेकंड पैराग्राफ में दे आर टेलिंग कि जो प्रोडक्शन था लेट 19th सेंचुरी में, उसमें बूम आया और उस बूम के चलते 1760 में ब्रिटेन में जो चीज 2.5 मिलियन पाउंड्स की जो है रॉ कॉटन, जो कॉटन इंडस्ट्री यूज कर रही थी, वो बाय 1787 वो तकरीबन 22 मिलियन पाउंड्स हो गई. मतलब 2.5 मिलियन पाउंड से सीधे 22 मिलियन पाउंड्स हो गई. तो ये जो इंक्रीज देखा जा रहा था ये कंप्लीटली उस चीज से लिंक किया जाने लगा कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थे उससे इसको लिंक किया जाने लगा. अब वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, जो कार्डिंग था, जो ट्विस्टिंग थी, जो स्पिनिंग थी, जो रोलिंग थी, ये सारे के सारे देवर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस. जैसे इवेपोरेशन, जैसे अपना हमारी वाटर साइकिल होती है ना, वाटर साइकिल में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं तभी वाटर साइकिल कंप्लीट हो पाती है. क्लास? यस मैम. ठीक. ऐसे ही जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसके भी अलग अलग स्टेजेस थे. ठीक है? कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, उसके बाद फिर फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बनकर आता था. अब यहाँ पे कह रहा है अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी. चलो ये हम अब पढ़ लेंगे बाद में, इतना आपको समझ में आ गया. यस मैम. अब वो ये कह रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स और यार्न के ऊपर डिपेंड होने लगा, और पॉसिबल भी तभी हो पाया जब स्ट्रॉन्ग थ्रेड और यार्न बन रहे थे. जो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ थ्रेड्स जो होते हैं, जो जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनको पता होगा कि कुछ कच्चे धागे होते हैं, कुछ पक्के धागे होते हैं. आपने सुना होगा इन टर्म्स को अपने, स्पेशली मदर्स जिनकी स्टिचिंग करती होंगी वो कहती होंगी कि भाई ये धागा कच्चा आ गया है. वो कोई कहता होगा नहीं ये वाला धागा पक्का है, इस कंपनी का लो, ये ज्यादा अच्छा होता है, ये पक्का धागा होता है, जल्दी से टूटता नहीं है. तो बेसिकली जो आपके जो थ्रेड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि आपको कितना खींचने पे वो टूट रही है. कुछ थ्रेड्स होते हैं जरा सा आप उस पे जो है प्रेशर डालते हो, खींचते हो उसको, जरा सा पुल करते हो, वो टूट जाता है. तो वो स्ट्रांग नहीं था. तो उसके अगर आप यार्न भी बनाओगे, उसके अगर आप कपड़े बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. हर हर कपड़े की एक वैरायटी होती है. कुछ कपड़े जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग रह जाते हैं, कुछ कपड़े जो कॉटन के होते हैं उनकी लाइफ जो है थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है. अगर प्योर कॉटन आप यूज करते हो तो वो 2.5 साल 3 साल से ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि जो कॉटन की एक वैरायटी ऐसी होती है जो कि रेगुलर यूज के बाद उसके थ्रेड जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं. और कुछ कॉटन जो है, जो वैरायटी ऑफ कॉटन है वो ऐसी होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे, जैसे खादी कॉटन अगर आप लो तो खादी कॉटन जो होता है वो काफी सॉलिड माना जाता है. उसके कपड़े को आप काफी समय तक इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो हैंडलूम हैंड वूवन कपड़ा होता है इसलिए. ठीक है? ओके मैम. ठीक है. यस मैम. वो कह रहा है कि जो है कॉटन मिल जो है पहली कॉटन मिल आई जहां पे जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस थे वो एक रूफ के अंडर हो रहे थे. ठीक है? जिसकी वजह से जो काम था वो बहुत आसान हो गया था. ठीक. देन इन्होंने बोला कि अर्ली 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज थे वो जो इंग्लिश लैंडस्केप था उसका एक बहुत इंटीमेट पार्ट बन गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे. यहाँ पे इंग्लिश लैंडस्केप से क्या मतलब है बेटा? लंदन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग. ठीक है? ब्रिटेन की बात कर रहे हैं कि वहां पे जो वहां पे लंदन में जो लैंडस्केप था, अगर इंसान नजर दूर तक दौड़ाता था तो वो देखता था कि भाई फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, अलग से जो है स्मोकी चिमनीज जो है वो जो है आपका स्मोक रिलीज कर रही है इन द एयर. तो ये एक बड़ा कॉमन सा लैंडस्केप बन गया था. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. यस मैम. अब क्या हुआ कि ये जो चीजें थी ये इतना विजिबल हो गई थी, नई मिल्स जो आ गई थी. ठीक है? और जो पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी थी, जो जो इनके उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरीज थे, उस टाइम के जो लोग थे उस जगह पे, मतलब भाई
लंदन में जो ये सब हो रहा था उस टाइम पे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे जो लोग भी इसको इस चीज को देख रहे थे, देवर क्वाइट यू नो डेजल, मतलब उससे बड़ा प्रभावित हो रहे थे. उन्हें लग रहा था कि भाई दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट न्यू और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि एक ही छत के नीचे अब सारे काम हो रहे हैं. ठीक है, दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बायलेंस एंड द वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड. ये बायलेंस और वर्कशॉप्स क्या थी, जो कंट्री साइड में जो लोग अभी भी मर्चेंट्स के लिए काम कर रहे थे, लोग ये भूल गए. ये मिल्स पे इतना ज्यादा कंसंट्रेशन ये लोग कंसंट्रेट करने लगे कि ये लोग ये भूल गए कि कंट्री साइड में भी लोग जो है इनके लिए काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में, बायलेंस में. ठीक है, क्लियर क्लास? यस मैम. यस मैम. यस मैम. इतना आई होप इज क्लियर एंड अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. अभिनव रीडिंग. अभिनव कैन यू हियर मी? Wait, I will tell everyone to read better, don't worry. Abhinav, are you there or not, or shall I remove you from the meeting? This is really not done. Abhinav Pandey? Chaliye. Akshada? Yes, ma'am. Padho. In the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for alternative sources of income. Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasant households eagerly agreed. By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resource. Okay. Anything in this? Wait, Akshita. Anything in this to be explained? Akansha, do we have Akansha? Are they in the class? Akansha, कहाँ गया बेटा? छोड़ गई मीटिंग ये लड़की. चलिए, कैन वी हैव अनमता रीडिंग? यस मैम. रीड. विद इन दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड. मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क was done mostly in countryside. A merchant Lothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yarn that was spun was taken in subsequent stages of production of weavers, flers, and then to dyers. The finishing was done in London before the export merchants sold the clothes in the international market. London, in fact, came to be known as finishing center. Carry on. But anything to be explained? No, ma'am. Chaliye. Hello, ma'am. This बेटा एक मिनट रुको. हाँ जी बोलो बच्चे, कौन क्या कह रहा है? मैम आई एम देवांश. मैम हाँ बेटा देवांश बोलो बच्चे. मैम इसमें फुलर की मीनिंग बताइए. अ पर्सन हु फुल्स दैट इज गैदर्स क्लोथ बाय प्लीटिंग. मैम ये प्लीटिंग क्या हुआ? पीटना, जब हम फटकारते हैं ना.
Yes, ma'am. आपने देखा होगा धोबी जो है कपड़े जब धोता है, जो धोबी घाट वगैरह होते हैं वहां पे कपड़े धुलते हैं जब, तो वो पत्थरों पे मारते हैं कपड़े को, दैट इज स्प्लिटिंग, मार मार के उसको बराबर करना, ठीक है? ओके ओके चलो कैन वी हैव, चलो दीवान छापी पढ़ो बेटा नेक्स्ट. मैम दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस. It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not factories. At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. This meant that each clothier was controlling hundreds of workers. ठीक है. Anything to be explained in this? No, ma'am. Now the coming up of the factory. Dhruv Sharma, read. Dhruv, are you there? Deepshikha, are you there? Yes, ma'am. Haan, Dhruv, read. The coming up of the factory. I'm from. Haan, the coming. Coming up of the factory. The earliest factory in England came up by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds. Pounds of raw cotton to feed its cotton industry. Right. By 1787, this import soared to 22 million pounds. This increase was linked to number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of these. A series of inventions in the 18th century increased the... Ma'am, what is this system? Ek minute, beta. कहाँ पे कार्डिंग ट्विस्टिंग मैम अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. एफिकेसी का मतलब होता है बेटा, एनीबॉडी इन द क्लास हु कुड टेल मीनिंग ऑफ एफिकेसी? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी डूइंग द वर्क इजीली, मेकिंग द वर्क इजी, ठीक है? Yes, ma'am. Very good. Carry on. Of each steps of production processes by carding, twisting and spinning and rolling, they enhance the output per work, enabling each work to produce more, and they made possible the production to stronger threads and yarn. Then Richard Arkwright created the cotton mill. Till this time, as you have seen, cloth production was over all the countryside and carried out within village households. But now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. Within the mill, all the... Ma'am, please scroll the page. Just a second. Carry on. Within the mill, the processes were brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, watch over quality and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. No more? Hanji. बस ठीक है. कैन वी हैव, लेट मी सी हु एल्स इज देयर. सानिया. सानिया इज नॉट देयर. शैली, आर यू देयर बेटा? शैली तिवारी. यस मैम. कैन यू रीड? यस मैम. हाँ रीड बच्चा. इन द अर्ली 19th सेंचुरी, फ्रॉम हियर यू हैव टू रीड. इन द अर्ली 19th सेंचुरी,
factories increasingly became an intimate part of the English landscape. So visible were the imposing... Sorry, ma'am. It's okay. Carry on. Shelley? So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology, that contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the by lanes and the workshops were still continued. Theek hai. Carry on. The pace of industrial change. How rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? Okay. First, wait, listen. Wait a second, Shelly. The pace of industrial change in this, we'll be reading that, how the industrialization affected everything. Whether the process of industrialization was very fast or it was slow or it was a pace where, both the things were going simultaneously hand in hand. Labor, like handwork also, manual power labor also, and the machine work also, right? So explanation part tomorrow we'll do. Shelly, if you could continue reading. Yes, ma'am. How rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? First, the most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metal. Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840s. After that, the iron and steel industry led the way. With the expansion of railways in England from the 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for iron and steel increased rapidly. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about 77 million euros, double the value of its cotton export. Theek hai. Carry on. Carry on. Second, the new industries could not easily displace traditional industries. Even at the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sectors. Textile was a dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within the factories, but outside within domestic units. Third, the pace of change in the traditional industries was not set by steam, power, cotton, or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly, ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors, such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making, and production of implements. Fourth, technological changes occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. New technology was expensive and merchants and industrialists were conscious about using it. The machines often broke down and the repair was costly. They were not as effective as their inventors and manufacturers claimed. Consider the case of the steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. Yes. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model. But for years he could find no buyers. At the beginning of the 19th century, there was no more than 321 steam engines all over England. Of these, 80 were in cotton industries, 9 in wood industries, and the rest in mining, canal works, and iron works. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by the industrialists. Okay, fine. Historians now have come to... Carry on.
historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid-19th century was not a machine operator.